नमस्कार दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम फास्को को देखते हैं जो कि एना नाम की लड़की से शादी कर लेता है जो कि उम्र में उससे छोटी है और उसकी एक बेटी भी है। असल में एना उसकी दूसरी वाइफ है। मास्को और एना की जोड़ी लिविया को पसंद नहीं आती है जो कि फास्को का बेटा है। अब रात को फास्को एना के साथ रोमांस कर रहा था तभी उसका दोस्त बाहर आकर उसे बुलाता है और अपने साथ चलने को कहता है। असल में फास्को ट्रक चलाने के साथ साथ चोर भी है जो एंटिक मूर्तियां चोरी करके बेचता है। अब वह चोरी करने अपने दोस्त के साथ चला जाता है। अब अगले सीन में लिविया और उसके दोस्त समुंदर में मस्ती कर रहे होते तभी स्टेला नाम की लड़की आती है और लिविया के स्कूटर में एक चिट्ठी छोड़ जाती है। असल में वह लिविया से प्यार करती है पर लिविया उसे भाव नहीं देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फास्को लिविया को गधों की तरह काम कराता है और मौका मिलने पर उसकी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटता है, जिसे देखकर एना को फास्को के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वह फास्को से इस बारे में बात करती है। फास्को बात को अवॉइड करता है और अपने रिश्ते पर ध्यान देने की बात करता है। अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि एना से लिविया को प्यार हो गया था क्योंकि एना उससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी और उसकी फिगर को देख लिविया अट्रैक्ट हो रहा था। अब एक दिन फास्को एंटिक सामानों की तस्करी करने शहर जाता है और दूसरी तरफ लिविया एना के साथ वक्त गुजारने लगता है और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन गर्मी की वजह से सभी लोग पानी से खेल रहे होते हैं तभी लिविया वहाँ आ जाता है और एना को पानी में भिगो देता है और लिविया एना के बदन को टच करने लगता है। तभी वहाँ कुछ औरतें आकर लिविया के साथ मस्ती करने लगती हैं। दूसरी तरफ यह सब कुछ एना भी देख रही होती है और उसे देख लगता है कि वह लिविया के ऊपर अट्रैक्ट हो गई है। अब एक दिन एना को पता चलता है कि फास्को तस्करी करते हुए पकड़ा गया और वह फास्को से मिलने जेल जाती है। वहाँ पर फास्को कहता है वो दो दिन के अंदर जेल से छूट जाएगा और दो दिन बाद भी घर नहीं आने पर एना फिर से जेल जाती है और फास्को के सामने रोने लगती है। पर फास्को उससे कहता है अगली बार तुम यहाँ आना तो अच्छे कपड़े पहनकर आना ताकि तुम मुझे खुश कर सको। अब एना घर आती है तो देखती है वहाँ किसी को भी फास्को के जेल जाने का दुख नहीं है और वह लिविया के बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब वह एना को परेशान देख सेलिब्रेशन के लिए एना से माफ़ी मांगता है। अब रात में वो एना के घर के काम में हाथ बटा रहा होता है तो वो एना के करीब आने की कोशिश करता है और एना भी बहक जाती। तभी एना रुक जाती है और लिविया को मना कर देती है। अब लिविया उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए रात को वो बिना कपड़ों के एना के दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है पर एना दरवाज़ा नहीं खोलती है। सुबह होने पर वह दरवाजे के बाहर लिविया को लेटा हुआ पाती है। अब लिविया उसे पकड़ लेता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है पर एना उसे कुछ भी करने नहीं देती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिविया बार बार ट्राई कर रहा था एना के साथ फिजिकल होने के लिए जैसे कि वो पागल हो गया हो। अब एना गुस्सा हो जाती है और वह कहती है जब तक फास्को जेल से घर नहीं आता तब तक वो और लिविया एक साथ नहीं रहेंगे और लिविया को उसके दोस्त के घर पर रहना होगा। उस रात लिविया अपने दोस्त के साथ काफ़ी ड्रिंक करता है और वापस घर आ जाता है। अब खिड़की को तोड़कर वह एना के पास पहुंच जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। अब एना भी काबू नहीं कर पाती है और दोनों रात को इंटीमेट हो जाते हैं। अब एक दिन लिविया और एना रिश्ता बना रहे होते हैं तो स्टेला उन्हें छुपकर देख रही होती है। अब क्योंकि स्टेला उन दोनों को इस नाजायज़ रिश्ते के बारे में जान चुकी थी इसलिए एना को बड़ा ख़राब लगता है। लिविया उसे बताता है स्टेला एक पागल लड़की है और उसकी बात पर यहाँ कोई भी भरोसा नहीं करता, जिसके बाद वो दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं। अब अगले सीन में फास्को जेल से घर आता है और स्टेला उसे सब कुछ बता देती है। सब जानने के बाद फास्को पूरी रात ड्रिंक करता है और फास्को को उदास देख लिविया समझ जाता है कि फास्को को उसके और एना के नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया है, इसलिए वह घर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मूवी के अंत में हम देखते हैं लिविया एक ब्यूटीफुल लड़की से शादी करता है पर वो अभी भी एना से ही प्यार करता है और एना भी उसे चाहती है और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।